अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली उसका जो मौजू है दैट इज़ अबाउट हीप। और जो हीप है बेसिकली ये भी हमारे पास एक ट्री ही की एक किस्म है। और ट्री डाटा स्ट्रक्चर जो है वो आपको पता है कि हमारा अभी तक जो मौजू चल रहा है उसमें अभी तक हमने लास्ट टाइम जो है थ्रेडेड बाइनरी सर्च ट्री पढ़ी थी, उससे पहले हमने AVL की थी, उससे पहले हमने BST पढ़ी थी। तो हीप डाटा स्ट्रक्चर जो है वो भी बेसिकली एक ट्री ही होता है और आज हम उसको देखेंगे कि क्या उसका इस्तेमाल है। तो हीप इज़ बेसिकली उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि हीप शुड बी 80 BT। इसलिए मैंने आपकी स्क्रीन पे हीप्स पढ़ाने से पहले एक CBT डिक्लेयर किया हुआ है, डिस्प्ले किया हुआ है। और CBT हमने पढ़ा था कंप्लीट बाइनरी ट्री, वो ट्री होता है जिसके लेवल्स पूरे होते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। अगर आप उसकी फिलिंग करें फ्रॉम टॉप तो वो तरतीब में उसमें नोड्स लगे होते हैं, एक्सेप्ट द लास्ट लेवल के। लास्ट लेवल में चूंकि आपके पास अभी डी का राइट चाइल्ड चूंकि बना ही नहीं है, तो ज़ाहिर है जब वो बना ही नहीं है तो ज़ाहिर है ये लेवल तो पूरा नहीं हो सकता। ये लेवल तो तब पूरा होगा जब आपके आस्ता आस्ता न्यू इंसर्शंस होंगी, यानी डी के बाद नया नोड इंसर्ट होगा तो डी के राइट में लगेगा, फिर अगला जब इंसर्ट होगा तो ई के लेफ्ट में लगेगा, उससे अगला इंसर्ट होगा तो ई के राइट में लगेगा। तो इस तरह से ये नोड इंसर्ट होंगे तो ये CBT मेंटेन रहेगी। तो ये बेसिकली आपका आइडिया है हीप का, कि हीप की पहली प्रॉपर्टी ये है कि दैट शुड बी अ CBT। दूसरी प्रॉपर्टी उसकी क्या है कि वो मैक्स हीप होगी या मिन हीप होगी, तो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि उसका क्या मतलब है। अच्छा जी, इससे पहले कि हम उस हीप पे पढ़ें, कंप्लीट बाइनरी ट्री की एक आप प्रॉपर्टी रिकॉल करें कि दैट सच अ ट्री ऑफ हाइट h हैज बिटवीन 2H से लेके 2H+1-1 नोड्स उसमें होते हैं। अच्छा, अब वो ये क्या मतलब है कि 2H से वो कहता है से लेके 2H+1-1 जो है उसमें वो कहता है नोड्स होते हैं किसी भी हाइट में। अच्छा, अब ये क्या बात है इसको जरा समझें कि देखें, ये अगर CBT है तो ये इसमें मिसाल ये अगर इसमें लेवल्स हैं तो ये एक CBT है, कंप्लीट बाइनरी ट्री है। इसकी हाइट आपको पता है 0 है, इस लेवल की हाइट 1 है, इस लेवल की हाइट 2 है। अब आपको पता है कि लेवल 1 पे जैना अगर मैं कहूँ तो कितने इसमें फॉर्मूला में पुट करूँ, यानी कम से कम वो कहता है इतने नो उसमें जाना वे नोड्स होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इतने, तो 2H का मतलब 2 1 हाइट या 1 पुट करें तो इच से निकला 2, ठीक है ना जी। और हाइट 1 के साथ, और हाइट 1 के साथ मैक्सिमम कितने नोड्स हो सकते हैं तो वो भी पुट करें, 2H+1-1 विच इज 4, यानी 2+2=4-1=3, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हाइट 1 के साथ, यानी इस फॉर्मूला में अगर आप 1 पुट करें h की जगह, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो यहाँ से 2 आएगा, और जब यहाँ 1 पुट करेंगे तो यहाँ से 2+1+1=4-1=3 आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हाइट 1 के साथ आपके 3 नोड्स हो सकते हैं और कम से कम 2 होंगे। तो आप मुझे बताएं ना, हाइट 1 के साथ आप CBT में देखें, ये CBT बनेगी ना हाइट 1 के साथ, इससे ज़्यादा नोड आपके इसमें ज़्यादा हो ही नहीं सकते। ये कितने हैं टोटल मैक्सिमम 3, और कम से कम कितने होंगे 2, क्योंकि हाइट 1 के साथ आप मुझे बताएं कम से कम जो ट्री बनेगा, जो CBT होगा वो देखें ऐसे बनेगा कि नहीं। तो इसमें एक ये 0 हाइट पे हैं और ये 1 हाइट पे हैं। अच्छा, इसी बात को ज़रा आगे ज़रा दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ज़रा सी ज़्यादा हाइट बढ़ा देते हैं ताकि और बात क्लियर हो जाए। कि वो कहता है कम से कम इतनी हाइट होगी 2H होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 2H+1-1 होगी। तो यहाँ पे अब यहाँ से ये देखें आप, इस तरह मिसाल के तौर पे नोड्स हैं हमारे पास, तो अब ये आप इसको लेवल कर लें तो ये हाइट 0 है, ये हाइट 1 है, ये 2 है, ये हाइट 3 है इस ट्री की।
अब आप इसमें मिसाल के तौर पे हाइट 2 पे कम से कम नोड आपको कितने मिलने चाहिए टोटल ट्री में, 1, 2, 3, 4, 4 कम से कम से बनता है ना लेवल 2 पे ट्री, और ज़्यादा से ज़्यादा लेवल 2 में जब टोटल ट्री में कितने नोड होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, कम से कम 4 होते हैं हाइट 2 में नोड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा हाइट 2 के साथ 7 हो सकते हैं, क्योंकि जब 8th नोड बनेगा तो फिर आपका नया लेवल इंट्रोड्यूस हो जाएगा, 3 हो जाएंगे फिर। अब ये फार्मूला आपको क्लियर बताता है, आप ज़रा पुट करें इसमें हाइट 2, तो 2 पावर 2 कम अज़ कम और कॉमा ज़्यादा से ज़्यादा कितने, 2 पावर 2 प्लस 1 माइनस 1, तो इससे देखें यही जवाब आता है आपका क्या कि 2 पावर 2 इज़ 4, 7। तो इसका मतलब यह कि ये एक फॉर्मूला उसने आपको दे दिया है कि कम अज़ कम जो सी बी टी होगी उसमें किसी भी हाइट पे आप मुझे बता दें तो कम अज़ कम इतने नोड्स होंगे 2 पावर h, और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इतने नोड्स होंगे। अच्छा जी, अब जो है आपकी इसको जहन में रखते हुए अब अगली वो बात करता है कि ये द ट्री इज सो रेगुलर दैट इट कैन बी स्टोर्ड इन एन एरे एंड नो पॉइंटर्स आर नेसेसरी। वो कहता ये है कि ये ट्री इतनी रेगुलर है कि इसको आप एरे में भी स्टोर कर सकते हैं और पॉइंटर की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये कैसे, मतलब सी बी टी को वो कहता ये है ना कि ये देखें ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है ना, ए पहले बना था, फिर बी बनाया आपने, फिर सी बनाया, फिर डी बनाया, फिर ई बनाया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरतीब में हमने बनाए थे। तो वो कहता है कि आपने जिस तरतीब में ये बनाए थे उसी तरतीब में आप इन नोड्स को अगर आप एरे में डाल दें, यानी एरे इंडेक्स नंबर 1 पे ये जनाब इसको डाल दें ए को, इसी तरह बी को इंडेक्स नंबर 2 पे डाल दें, सी को जनाब इंडेक्स नंबर 3 पे डाल दें, और डाटा कुछ तरह एरे में डाल दें, तो क्या है? तो फिर मैं सवाल ये उठाऊंगा कि नहीं वो तो आपने डाल दिया, लेकिन ये जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इसमें छुपा हुआ है जो ट्री में नज़र आ रहा है वो एरे में मुझे कैसे पता लगेगा, क्योंकि एरे तो मुझे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप तो नहीं बता सकती ना। यानी ट्री में तो मैं कह सकता हूँ कि इसके लेफ्ट चाइल्ड में, लेफ्ट पॉइंटर में अगर ये डी का एड्रेस पड़ा है तो फिर ये बी का लेफ्ट चाइल्ड है और ये ई इसका राइट चाइल्ड है, लेकिन अगर ये ट्री एबसेंट हो, आपकी स्क्रीन पर ना हो, कोई एरे गिवन हो आपको, तो आप कैसे मुझे बताएंगे कि फ़लाना इसका लेफ्ट चाइल्ड है और फ़लाना इसका राइट चाइल्ड है? तो जब ये आप नहीं मुझे बता सकते तो इसका मतलब है कि फिर आप कहें कि सर सिर्फ डाटा स्टोर करने से तो मसला हल नहीं होता, कि आप मुझे ट्री को का डाटा एरे में डाल के कहें जी ये भी सी बी टी है और ये भी सी बी टी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका हल ये है कि फिर आप मुझे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का भी या तो कोई फार्मूला बताएं, डाटा का तो चलो आपने बताया। तो कहता है ठीक है वो भी बता देता हूँ। अच्छा वो क्या है? वो कहता है कि वो ऐसा है ना कि अगर आपने पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में पहुंचना है तो 2i इंडेक्स पे एरे पे जाएं तो उसका लेफ्ट चाइल्ड पड़ा होगा, कोई इंडेक्स i उठा लें कोई, और 2i प्लस 1 इंडेक्स पे जो है उसका राइट चाइल्ड में आपको मिलेगा, और i बाय 2 जब आप लेंगे किसी इंडेक्स का तो उसका फ्लोर, फ्लोर और सील समझते हैं ना हम, कहते हैं सीलिंग फैन, सीलिंग फैन का मतलब यह है कि छत वाला फैन ऊपर, फ्लोर नीचे को कहते हैं जमीन। तो जब मिसाल आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि जब आप 2.5 का सील लेते हैं तो इसका मतलब है 3, जब 2.5 का आप फ्लोर लेंगे तो इसका मतलब है 2, राउंड आपको नीचे टर्म्स पे करेंगे, नीचे का मतलब ये होता है, ऊपर कुंडे डालते हैं, सील का मतलब ये है कि आप इसको अपर उस पर राउंड करेंगे वैल्यू पे। तो ये इसका ये जो सिंबल्स हैं तो ये फ्लोर के हैं। तो बहरहाल तो अब कैसे कि आपको लेफ्ट चाइल्ड 2i पे मिलेगा और राइट चाइल्ड 2i प्लस 1 पे मिलेगा, तो वो जो है ना आप देख लें अभी तक इसमें कि अब b के राइट चाइल्ड, b को आपने देखे ना 1, 2, 3, आपने पहले ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये 4th, फिर 5, फिर 6, तो ठीक है जिस ऑर्डर में आपने बनाए थे उसी ऑर्डर में आपने इसको एरे में तो डाल दिए, लेकिन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप अब देखें कैसे मिलेगा। 2 इंडेक्स पे आपने b को डाला था तो 2i इंडेक्स निकालें जरा b का, यानी आई का 2i निकालेंगे तो 2 into i is 4, तो 4th इंडेक्स पे जाएं इसका लेफ्ट चाइल्ड पड़ा होगा d, तो देखें ट्री में भी वही d पड़ा है। इसी तरह 2i प्लस 1 इसका निकालें तो 2 into 2 4 plus 1 is e, तो ये इसका राइट चाइल्ड होगा, ये उसको आपको एरे में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी मिल गया। इसी तरह अगर मिसाल d का आपको राइट चाइल्ड चाहिए तो d इंडेक्स
इंडेक्स 4 पे पड़ा है आपको, ये देखें 4 पे, तो आप इसका 2i निकालेंगे तो 4 2s are 8 h, ये इसका आपको लेफ्ट चाइल्ड मिल गया, तो ये देखें इसका लेफ्ट चाइल्ड है। इसी तरह 4 into 2 is 8 plus 1, ये इसका राइट चाइल्ड आपको मिल गया। ये तो उसने कहा मैंने आपको तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप निकालने का भी फॉर्मूला दे दिया है, अब आपको क्या मुसीबत पड़ी है, आप एरे में डाल लेना सीबीटी को, ऐसी ही आपने ट्री डेटा स्ट्रक्चर बनाया है, इतनी मुसीबत पाली हुई है। तो बात उसकी किसी हद तक ठीक है, क्योंकि आपने पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का भी मुझे फॉर्मूला दे दिया है। अच्छा, पेरेंट निकालने के लिए उसने कहा था आई बाई टू का जाना फ्लोर लें, तो वो भी ज़रा देख लें कि वो कैसे हम करते हैं, वो अब ज़रा देखें वो कैसे। मिसाल के तौर पे आपने एफ का पेरेंट निकालना है तो उसका इंडेक्स क्या है, 6 है, तो 6 by 2 का फ्लोर लेंगे तो 3 आएगा, तो थर्ड इंडेक्स पे चले जाएं तो थर्ड पे देखें एफ का पेरेंट सी होगा, तो ट्री में भी देख लें एफ का पेरेंट सी होगा, ये देखें एफ का पेरेंट सी है, ये है। तो फॉर्मूला आपके पास मिल गया आपको कि पेरेंट चाइल्ड, तो पीछे तो फिर कुछ नहीं रहा ना, ट्री में तो ज़ाहिर है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी हिडन होता है और डाटा भी हिडन होता है, तो वो सारा आपको अगर एरे में मिल रहा है तो व्हाई टू यूज दिस ट्री, क्वेश्चन वो ये कहता है। इसलिए तो उसने पीछे ये फिक्रा लिखा है कि दिस एरे इज सो रेगुलर दैट नो पॉइंटर्स आर नेसेसरी, हम क्यों इतनी ये पॉइंटर्स की खपत पाल रहे हैं कि इसमें जो ना इसका जो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो जनाब उसमें हमने पता नहीं क्या क्या लेफ्ट राइट पॉइंटर और जो है ना अपने लिए मुसीबत पाली हुई है, तो ये हमें करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वाई टू डू दिस। अच्छा, अब जब वो ये कहता है तो चलो ये तो अब मैंने आपको सारी कहानी समझा दी कि ये अब स्नाइगरी डायग्राम में बताया हुआ है कि अगर आपने इस बी का राइट चाइल्ड है तो वो 2i+1 में है और लेफ्ट चाइल्ड है तो 2i में, इस तरह सब उसने मिसालों में बताया कि इस तरह किस तरह आप उसके राइट लेफ्ट चाइल्ड पे पहुंच जाते हैं। यही सारी मिसालें जो मैंने अभी आपको समझाया है उस तरह उसने बता दिया, जैसे ई का लेफ्ट चाइल्ड 10 है तो फिफ्थ का जो है ना इंडेक्स जो है ना 10 निकालें तो जे निकल आया, इसी तरह, तो ये इसने बता दिया। अच्छा, तो अब ये जो है सारी जो है ना डिबेट हमने जब कर ली कि ये जी आप क्लियर होगा कि चलो सी बी टी तो हमने किसी न किसी तरह एरेमे स्टोन्स ली, लेकिन ये बात याद है कि एरे की अपनी मुसीबतें थी। एरे हमने जब पढ़ी थी तो हम लिंक्ड लिस्ट पे क्यों गए थे, साइज का इशू था, तो एरे के वो जो मुसीबतें अपनी हैं वो अपनी जगह हैं। एरे आप तब यूज करेंगे कि जब आपको किसी ने एडवांस में ये कह दिया हो कि भाई मेरी ट्री का साइज नोन हो आपको, ठीक है ना जी, मैक्सिमम ट्री का साइज आपको अगर नोन है तो देन यू कैन गो फॉर एरे इंप्लीमेंटेशन, अगर नोन नहीं है तो फिर तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर द डायनेमिक रिप्रेजेंटेशन, यानी ट्री रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि एरे का साइज तो आप शुरू में पहले फिक्स कर देंगे। मिसाल अभी इसने 14-15 की एरे बनाई है ना, खाली लोकेशंस तो हैं इसमें, लेकिन मुझे बताएं कि इस ट्री में अब ये ग्रो होगा 10 11 12 13 14, 4 चाइल्ड इस तरह बन जाएंगे नोड्स, इसके बाद जी का जब अगले ये चाइल्ड बनेगा तो एरे में तो जगह नहीं, तो ट्री में तो बना सकता है लेकिन इधर तो फंस जाएगा, आपकी सॉफ्टवेयर फेल हो जाएगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड कह रहा आ जाएगा, तो ये गजब अपने एरे के हैं। लेकिन बिसाइड्स दैट, अगर समहाउ आपको क्लाइंट आपको ये रिक्वायरमेंट दे देता है, समहाउ ये गारंटी दे देता है कि ठीक है जी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि साइज इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा, आप मुझे बस किसी तरह इसका सॉफ्टवेयर लिख के दें, मैं आपको इसकी पक्की गारंटी देता हूँ इससे ज़्यादा मेरा साइज कभी एक्सीड नहीं करेगा, तो देन ठीक है फाइन यू कैन गो फॉर द अदर इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज एरे इम्प्लीमेंटेशन, जाएं। अच्छा, तो फिर एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पोज किया हुआ है कि अगर आपका साइज लेट्स से नोन हो तो फिर तो इसका मतलब ये नहीं निकलता कि हमने आज तक जितनी सारी ट्रीज पढ़ी हैं उन सबको हम जनाब एरेज में इम्प्लीमेंट करें, वाई टू यूज पॉइंटर्स, आपने इतनी मेरी मुसीबत खड़ी की हुई है, प्रॉब्लम्स आपने हमारे लिए क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि ट्री इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक, अभी हम देखा है एवीएल ट्री में, बीएचटी में और डिलीशंस में, इंसर्शंस में और उसके कोड में कितने मसले थे, सो वाई वी शुड गो फॉर द डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्री, सारी ट्रीज की जो है ना उसको किसी ना किसी तरह एरे में मैप करें।
तो बहरहाल इसका जवाब बज़ाहिर तो बंदा बड़ा वो हो जाता है कि हाँ यार इस तरह कोई और भी हो सकता है, लेकिन मसला ये है कि इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है, सारों को आप नहीं कर सकते। मसलन अगर थोड़ी देर के लिए मैं आपसे कहूँ कि मिसाल आप BHT को आप एरे में रिप्रेजेंट करें, तो देखें BHT जो है ना वो CVT नहीं होती। BHT तो देखें ना, मिसाल अगर आपका यहाँ 10 आया एक एलिमेंट, अब आपने इसके बाद 100 इंसर्ट किया तो यहाँ इसके राइट में इंसर्ट होगा क्योंकि वो इससे ग्रेटर है। फिर आपका 90 आया तो कहाँ इंसर्ट होगा, वो 10 से ग्रेटर है तो यहाँ आएगा, 100 से लेस है तो यहाँ होगा। अब इसके बाद जनाब आपका 95 आया तो वो कहाँ जाएगा, 100 से बड़ा है तो वही यहाँ आएगा, फिर 100 से बड़ा है तो यहाँ आएगा, 100 से छोटा है तो यहाँ आएगा, 90 से बड़ा है तो यहाँ लगेगा लगेगा ऐसे। अब 5 आया तो 5 जब आया तो वो तो 10 से कंपेयर होगा और स्ट्रेट अवे यहाँ लग जाएगा, बात ऐसे है। इसके बाद 93 आया तो वो जाना 10 से गया 100 आया, 100 से फिर इधर आया, 90 से फिर राइट गया, फिर यहाँ पे आके यहाँ लग गया। BST ऐसे बनेगी। अब आप मुझे तो बताएं ना, आपने पहले ये इंसर्ट किया था, फिर आपने 100 इंसर्ट किया था याद करें, फिर आपने तीसरे नंबर पे 90 किया था, फिर ये किया था, फिर आपने ये इंसर्ट किया था पांचवें नंबर पे, और छठे नंबर पे आपने 93 इंसर्ट किया था। अच्छा, अब आप एरे अगर इसकी बनाएंगे उसे कानून के तहत, तो सबसे पहले इंडेक्स पे किसको डालेंगे, 10 को, और सेकंड नंबर पे आप 100 को डालेंगे, क्योंकि आपने तो जिस तरतीब में CBT में जिस तरह से आपने वहाँ पीछे कहा था ना कि जिस तरतीब में मैं इंसर्ट करूँगा उसी तरतीब में मैं एरे में भी डालूँगा, आपने यही कहा था ना कि 1 को आपने पहले इंसर्ट किया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो जिस तरतीब में वहाँ लगाए हैं उसी तरतीब में एरे में भी आपने नीचे लगाए हैं, और फिर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का फार्मूला 2i और 2i+1 आपने ऑटोमेटिकली मुझे दिया है, तो वही काम अगर मैं वहाँ करूँगा तो अब देखें वहाँ तो नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पे तो आपने फर्स्ट 10 डाला था, फिर आपने दूसरे इंडेक्स पे 100 डाला, तीसरे पे आपको 90 डालना पड़ेगा क्योंकि आपने 90 इंसर्ट किया था, और फिर लेट से 95 आप डालेंगे फोर्थ इंडेक्स पे, फिर फिफ्थ इंडेक्स पे आपने चूँकि फिर ये 5 इंसर्ट किया था, और फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ इंडेक्स में आप 93 डालेंगे ये जो आपने भी इंसर्ट किया। अब मुझे आप बताएं, अगर मैं आपसे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के हिसाब से पूछूं और इसका 2i निकालूं, i की वैल्यू लेट्स से 2 है, तो 2i तो 4 निकलेगी ना, और 2i+1 5 निकलेगी, तो मुझे बताएं 100 का लेफ्ट चाइल्ड आपका 95 है, 100 का लेफ्ट चाइल्ड तो 90 है, तो गलत हो गई बात कि नहीं, ये फार्मूला तो अब गलत चल रहा है 2i के तहत। अच्छा, 2i+1 पे जाएं, 2i+1 पे जाएं तो 5, तो 5 पे 5 पड़ा है, तो मुझे बताएं कि 100 के राइट में 5 है, 100 के राइट में तो कुछ भी नहीं है, नल है, 5 तो इधर पड़ा है, तो यहाँ पे तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का फार्मूला आपको बिल्कुल मिसलीड करेगा, मिसगाइड करेगा। इसका मतलब है कि अगर आपने यहाँ पे ये किस्सा किया तो फिर तो बड़ा गजब है। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि नहीं सर मैं ऐसे करता हूँ ना कि मैं इसको जनाब इसकी जगह उसी तरह खाली एरे बनाता हूँ, यानी मैं खाली एरे की जिस तरह जो है ना इसको खाली लोकेशन एरे में छोड़ता हूँ दरमियान में, और उस तरह से इसको ट्रीट करता हूँ, तो मैं कहूँगा अच्छा फिर तो आप बहुत ज़्यादती कर रहे हैं, फिर तो आप एरे में बड़ी लोकेशन ज़ाया कर रहे हैं। मसलन क्या कि आप कहते हैं कि मैं जनाब असल में इसका जो एक्चुअल चाइल्ड है ना 100, उसको मैं जो है ना उसकी अकॉर्डिंग टू दैट इंडेक्स रखूँगा, तरतीब में नहीं रखूँगा, होल्स दरमियान में बेशक हों, तो फिर तो भी गजब है। होल्स आप दरमियान में करेंगे तो ये तो बड़ा स्कैटर्ड डेटा होगा, आपने मिसाल 10 यहाँ रखा है और जनाब 100 वहाँ रखा है, और जनाब फिर बहुत दूर जाके कहीं आपने जनाब 90 रखा है, तो ये दरमियान में इतने इंडेक्सेस खाली क्यों छोड़े हैं आपने, ये तो एरे का ज़िया है। फिर इससे क्या ज़ाहिर हुआ, एक बात हुई कि ये जो सवाल है ना, ये हमें जवाब ये मिला कि यहाँ पे भाई ये सिर्फ वो CBT में ये एरे का चक्कर चल सकता है, क्योंकि कंप्लीट बाइनरी ट्री इतनी रेगुलर होती है लेवल वाइज, उसमें सारे नोड्स इतने पूरे होते हैं कि वहाँ पे हमें ये मसला नहीं आता,
तरतीब में, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, वो ऐसे तरतीब से चलती है कि उसमें उसी तरतीब में आप जब एरे में फिलिंग करते हैं तो वो आपके पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को ऑटोमेटिकली एक फार्मूले के तहत मेंटेन भी रखती है और साथ में कोई एरे में गैर ज़रूरी होल्स भी क्रिएट नहीं होते। सिर्फ वो साइज़ का इशू है, तो वो तो मैंने आपको पहले बता दिया कि वो लिमिटेशन तो स्टिल है, लेकिन अगर चलो वो आपकी साइज़ का इशू पहले ही क्लियर कर दिया गया है क्लाइंट की तरफ से, तो ठीक है आप करें मेंटेन, कोई आपको रोक टोक नहीं है, बताएं इसको ऐसे। तो बहरहाल ये इसका जवाब है कि ये इतना आसान नहीं है कि आप हर चीज ट्री को लेके जाके एरे में इम्प्लीमेंट कर सकें। ये एक क्वेश्चन यहाँ पे रखने का मकसद ये था कि आप में ये जहन में क्लियर हो जाए, ये अगर ये सवाल आपके जहन में आए कि अगर CBT हो सकती है एरे में रिप्रेजेंट, तो फिर तो सारी ट्रीज को होना चाहिए। अच्छा जी, अब अगला मौजू उठाते हैं, अब हम अपने मौजू पर आते हैं, हीप। तो हीप की एक प्रॉपर्टी मैंने कहा है कि उसका CBT होना चाहिए, कंप्लीट बाइनरी ट्री। और CBT पे अब तक मैंने वो सारी बहस कर ली कि CBT होती क्या है, कंप्लीट बाइनरी ट्री, वो एरे में भी रिप्रेजेंट होती है, वो ट्री में भी हो सकती है। अब उसका जो दूसरा पहलू है वो उस पर बात करते हैं कि ये होती क्या है और उसका मेजर यूजेज क्या है। इसका मेजर यूजेज हीप का क्या है, प्रायोरिटी क्यू। अच्छा, रियल लाइफ में भी ये प्रायोरिटी क्यू आप बहुत देखते हैं। अच्छा, एक होती है जेनेरिक क्यू। अच्छा, जेनेरिक क्यू डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ आए हैं। जेनेरिक क्यू में तो फर्स्ट कम FCFS होता है ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जैसे बैंक में आप कतार में खड़े होते हैं, ये बैंक है, लाइन में लोग आते हैं, यहाँ पे एक पहला बंदा लगता है, फिर उसके पीछे एक लगता है, फिर उसके पीछे फिर एक कतार में, तो यहाँ से DQ होता है बंदा और वहाँ NQ होता है पीछे एक एक इधर से। तो आपका एक फ्रंट पॉइंटर था याद करें और एक रियर पॉइंटर था, दरमियान में यहाँ कोई इंसर्शन नहीं हो सकती, वो लिंक्ड लिस्ट में होती है, क्यू में नहीं होती। लेकिन प्रायोरिटी क्यू में ये तो सवाल नहीं है, आपने पढ़ा। प्रायोरिटी क्यू में क्या होता था, प्रायोरिटी क्यू में आप कहते हैं कि नहीं, आपने शायद OS वगैरह में भी पढ़ा होता है जहाँ प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग आप पढ़ते हैं, जब CPU स्केड्यूलिंग पढ़ते हैं, कि अगर एक हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाता है रेडी क्यू में, वो आपने प्रोसेस डायग्राम पढ़ी होगी कि एक रेडी जो है ना स्टेट होती है और एक जो है ना रनिंग स्टेट होती है जो ना प्रोसेस की। अगर एक रनिंग में एक प्रोसेस चल रहा है और रेडी क्यू में एक प्रोसेस से आ जाता है, लेट्स से वेटिंग स्टेट से आ जाता है या न्यू हो के आता है, तो और उसकी प्रायोरिटी इस एग्जिस्टिंग प्रोसेस से हाई है, तो वो उसको क्या करता है CPU स्केड्यूलर कि उसकी प्रायोरिटी चूंकि लो है उसको बाहर निकालता है, वापस लाता है रेडी में और इसको दे देता है, प्रायोरिटी इसकी हाई है। या आपने मिसाल बैंक में मिसाल में देख लें कि वहाँ आपने देखा होता है कि वो प्रायोरिटाइज करते हैं लेट्स से वुमेन को या जनाब एजेड पर्सन को, बूढ़ों को, वो क्या कहते हैं कि उनको पहले एंटरटेन किया जाता, उनकी प्रायोरिटी हाई है, तो फिर वहाँ पे जनाब उन्होंने उनके लिए अलग लाइन बनाई होती है। तो ये जो तस्वर है ना रियल लाइफ में कि किसी को प्रायोरिटाइज करना, ऑपरेटिंग सिस्टम से भी मैंने एक मिसाल दे दी स्केड्यूलर की और रियल लाइफ में बैंक से दे दी, जब इस डाटा स्ट्रक्चर को आपने इम्प्लीमेंट करना होगा तो वो प्रायोरिटी क्यू के जरिए करना होगा, और प्रायोरिटी क्यू को पैसे इम्प्लीमेंट करेंगे उसके बैक एंड पे होगी हीप, और हीप के बैक एंड पे होगा कंप्लीट बाइनरी ट्री, और कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर जो डाटा की प्रॉपर्टीज होंगी उसमें हम कहेंगे कि या वो मैक्स हीप होगा या मिन हीप होगा, यानी हीप ऑर्डर होगा उसमें, और वो क्या होगा तो वो अभी मैं आगे बताता हूं। तो ये आपको समझ अब आ गई कि प्रायोरिटी क्यू बेसिकली इंप्लीमेंट होती है यूजिंग हीप डाटा स्ट्रक्चर, और हीप के पीछे होती है CBT। तो अब वो हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या है, वो दैट इज मिन हीप होगी और या वो मैक्स हीप होगी। अच्छा, ये अंग्रेजी आप पढ़ लेंगे, मैं आपको सीधी सीधी डायग्राम से समझाता हूँ। पहले तो ये कि हीप की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि वो होगी CBT। तो CBT ये है कि नहीं है, है। देखें, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम चलें, इसमें लेवल्स में तमाम नोड्स पूरे हैं और आखिरी लेवल में भी लेफ्ट टू राइट पूरे हैं। अब जो नेक्स्ट बनेगा तो वो यहाँ बनना चाहिए, फिर इसके बाद जो बनेगा वो 19 के लेफ्ट में बनेगा, फिर राइट में, फिर इसके लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में। तो ये तो हो गई CBT भी। और मिन हीप इसको उसने क्यों कहा है कि देखें, हर एक नोड की वैल्यू अपने चाइल्ड से छोटी या बराबर है, हर नोड की वैल्यू इसकी देखें 21, ये अपने चाइल्ड से छोटा है या बराबर है। इसी तरह आप इसकी देख लें, इसको देख लें, इस हिस्से को, हर नोड पे ये बात ट्रू है। इसी तरह इस हिस्से को देख लें, इधर भी ट्रू है, इस हिस्से को देख लें, इधर भी ट्रू है, इधर भी ट्रू है। तो अगर ये बात हर नोड पे ट्रू हो, फॉर ऑल नोड्स,
कि द नोड वैल्यू द रूट वैल्यू जो होगी वो अपने चाइल्ड से जो है ना या लेस या इक्वल होगी, तो इसका मतलब है कि वो जो है ना मिन हीप है। अच्छा ये इक्वल क्यों होगी, ये चूंकि बी एस टी में आपको याद हो थोड़ा फर्क है, बी एस टी में हमने कहा था कि बी एस टी में वैल्यूज लेस, देखें हमने कहा था वहां पे कि रूट इज लेफ्ट इज लेस देन रूट एंड रूट इज लेस देन राइट, ये बी एस टी का रूल था, लेकिन यहां हम इक्वल भी कहते हैं कि ये इक्वल भी हो सकता है अपने चाइल्ड के और लेस भी, इसलिए क्योंकि हमने कहा था ये प्रायोरिटी क्यू को इन्फोर्स करेगी, यानी हमने कहा ना अभी पीछे कि ये प्रायोरिटी क्यू का तस्वर इंप्लीमेंट करके देगी मुझे ही, तो आप मुझे बताएं कि रियल लाइफ में दो बंदों की प्रायोरिटी सेम नहीं हो सकती, या दो प्रोसेसेस की प्रायोरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम में सेम नहीं हो सकती, हो सकती है। लिहाजा ये जो हम अंदर जो ये जो वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे ना आइंदा अभी आगे चल के हीप के अंदर, ये बेसिकली इसकी प्रायोरिटी वैल्यू होगी। तो जाहिर बात है अगर आपके ये मिसाल के तौर पे कितने नोड्स हैं, ये आपके पास हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 नोड्स हैं, इसको आप एज्यूम करें कि वो इसमें 10 प्रोसेसेस चल रहे हैं, तो मुझे बताएं इनमें कोई से 3 प्रोसेसेस की प्रायोरिटी वैल्यू अगर सेम हो गई तो हो सकती है, इसका मतलब है कि फिर उस सूरत में आपके ये पेरेंट की वैल्यू मे बी के चाइल्ड की वैल्यू के बराबर हो जाए, यानी कि यहाँ भी 21 हो सकती है, यहाँ भी 21 लेट से हो सकती है, मिसाल ले रहा हूँ ऐसे, तो फिर उस सूरत में हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू क्या है, ठीक है ना जी। तो अब क्योंकि प्रायोरिटाइज करते वक्त हम ये देखते हैं कि प्रायोरिटी वैल्यूज दो प्रोसेस की सेम भी हो सकती है। अच्छा जब प्रायोरिटी वैल्यू सेम हो जाएगी तो फिर क्या होगा, तो फिर हमें पता है कि वहाँ पे कौन पहले जाएगा, वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व चलता है, आपको पता है फिर कि व्हेन द प्रायोरिटी ऑफ द टू प्रोसेसेस आर सेम, तो फिर वहाँ क्या चलता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, क्योंकि आप दो बूढ़े सेम बैंक में आ जाएं एक ही एज के, या दो वुमेन्स आ जाएं और उनके लिए आपने प्रायोरिटाइज किया हुआ है, तो जाहिर बात है कि फिर तो उसमें पहले किसके चलेगा, जो पहले आया पहले पाइए, क्योंकि अब आपकी प्रायोरिटी सेम हो गई है, तो जाहिर अब हमें दूसरा कोई पैरामीटर डिसाइड करना पड़ेगा जिसकी बुनियाद पर हम कह सकें कि किसको पहले प्रोसेस जो है किया जाएगा। अच्छा ये हीप कहता है क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि इसने जो दो क्रॉस लगाए हैं यहाँ पे आपने मिन हीप की प्रॉपर्टी वायलेट की है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें इस हिस्से में तो ये मिन हीप है इतने हिस्से में, बिकॉज 13 इज लेस देन और इक्वल टू इट्स चाइल्ड, ठीक है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है इस हिस्से में, इस हिस्से में ये बी एस टी के रूल पे ऑलमोस्ट चल रही है, बी एस टी का रूल है कि लेफ्ट इज लेस देन रूट एंड रूट इज लेस देन राइट, लेकिन ये हीप के रूल पे नहीं है, हीप के रूल में 6 को ऊपर होना चाहिए था और 21 को नीचे होना चाहिए था, इसलिए ये इस हिस्से में ये हीप के रूल को वायलेट नहीं कर रही, सॉरी हीप के रूल को वायलेट कर रही है, यानी यहाँ पे गड़बड़ कर रही है। अच्छा इस हिस्से में फिर ये हीप के रूल को वायलेट नहीं कर रही, यहाँ पे हीप का रूल वैलिड है क्योंकि 6 इज लेस देन और इक्वल टू 65 एंड 26। अच्छा इधर भी जो है ना हीप का रूल मीट हो रहा है, अच्छा इधर फिर नहीं मीट हो रहा क्योंकि 16 शुड बी इधर 19 को नीचे होना चाहिए था और 16 को ऊपर होना चाहिए था, तो ये अब क्या है, लेकिन ये पहली प्रॉपर्टी हीप की मीट कर रही है वो क्या, सीबीटी, ये सीबीटी आपको पता है कि नजर आ रहा है कि सीबीटी ये है क्योंकि इसमें लेवल तो पूरे हैं, वो प्रॉपर्टीज मीट कर रही है, लेकिन ये डाटा यानी प्रायोरिटी वैल्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है तो अगर किसी एक नोड जगह पे भी जाना गड़बड़ हो, किसी एक जगह पे भी रूल वॉयलेट हो रहा हो, तो आप उस पूरी ट्री को कहेंगे कि ये हीप नहीं है। अच्छा तो आपने इस चीज का ध्यान रखना होगा। अच्छा अब वो कहता है कि अगर हमने इंसर्शन पे आते हैं, अब जाहिर बात है जब हम डाटा स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं तो फिर हम उसमें इंसर्शन और डिलीशन डिस्कस करते हैं, सर्चिंग ऑटोमेटिकली फिर उसमें हो जाती है। अच्छा अब मुझे बताएं ये कि ये आपने जेन में ये रखना है कि ये चूंकि प्रायोरिटी क्यू का तस्वर इन्फोर्स करती है ना ये हीप, तो इसमें जब आप नया बंदा आएगा प्रायोरिटी क्यू में यानी नया प्रोसेस आएगा, तो वो अपनी प्रायोरिटी के एतबार से उसको सेट होना चाहिए ना। तो आप मुझे बताएं कि मिन हीप के केस में सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, यानी
हाईएस्ट प्रायोरिटी लीस्ट वैल्यू, लेट्स से मैं अगर कहता हूँ कि आपके ओएस में भी आपने पढ़ा था यूजुअली अक्सर वहां क्या आ जाता है कि लीस्ट वैल्यू मींस हाईएस्ट प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है जी। तो लीस्ट वैल्यू जो होगी ना सबसे, आपको पता है रूट पे होगी ना, क्योंकि रूट पे जो सब होगी वैल्यू वो सबसे छोटी होगी, क्योंकि ये देखें आपने जब खुद कह दिया कि इन तीनों में सब छोटी वैल्यू यहां होगी, इन दोनों में छोटी यहां होगी, फिर इन तीनों में छोटी यहां होगी, फिर इन तीनों में छोटी यहां होगी, तो जाहिरी बात ऑटोमेटिकली जो बबल अप होके सबसे छोटी वैल्यू रूट पे आ जाएगी। और सबसे छोटी वैल्यू क्या रूट पे आके बैठने का इन अदर वर्ड्स क्या मतलब है कि द हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस या हाईएस्ट प्रायोरिटी वैल्यू जो है ना वो सबसे ऊपर आके बैठ गई है। इसका क्या मतलब है कि अब अगर आपको एंटरटेन करना है किसी बंदे को, आप मुतवज्जे हो गए हैं किसी की, तो आप किसको एंटरटेन सबसे पहले करेंगे, जो इस ट्री में सबसे किधर बैठा है, रूट पे। या अगर सीपीयू स्केड्यूलर ने प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग का एल्गोरिथम बैकएंड पे इंप्लीमेंट किया है और अब सीपीयू फारग हो गया है और उसको उसने एक प्रोसेस थमाना है कि पकड़ो इसको चलाओ, तो तैयार उसको कहां से मिलेगा वो प्रोसेस, प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग अगर चल रही होगी रूट से वो प्रोसेस को निकालेगा, क्योंकि उसे पता है कि रूट सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है, वो जाके सीपीयू के हवाले करेगा, उसको रनिंग स्टेट में ले जाएगा। हाँ वो बाद में डिस्कस करते हैं कि जब रूट से बादशाह सलामत चले गए तो ये डिलीट हो गया रूट ना इसका, तो फिर डिलीट हो गया ये प्रोसेस तो निकल गया ना ट्री से, तो नया बादशाह कौन बनेगा, तो जाहिर बात है वो इन दोनों चाइल्ड में जो छोटा होगा वो आके बैठेगा ना यहाँ, क्योंकि फिर नेक्स्ट इन दोनों की वैल्यू छोटी होगी, फिर जब उसकी जगह जब ये इधर आएगा तो इधर कौन आएगा, या इधर फिर कौन आएगा, इधर होल क्रिएट होगा तो वो इन दोनों के चाइल्ड में से जो छोटा होगा वो आएगा, तो इवेंचुअली वो बाद में हम देखते हैं डिलीशन में कि फिर वो डिलीशन के वक्त वो कैसे जो है ना ये सारे काम होंगे। अब आते हैं फिलहाल के इंसर्शन कैसी होगी, माने एक नया प्रोसेस आता है, तो एक नया प्रोसेस मुझे आप बताएं कि जब आएगा तो उसको उसूली तौर पे कहाँ लगना चाहिए, उसूली तौर पे तो उसको यहाँ लगना चाहिए ना, वजह क्यों, क्योंकि आपने इसको हीप को तो सीबीटी भी तो मेंटेन रखना होता है ना, तो सीबीटी तो आपको लाजिमन कहेगी कि आपने उसको यहीं लगाना है। वजह यह है कि अगर आप कहते हैं नहीं उसको मैं यहाँ लगाता हूँ, तो वो कहेगी कि भाई फिर तो ये हीप इसलिए नहीं है कि उसने हीप की दो प्रॉपर्टीज में से एक पहली प्रॉपर्टी जो सीबीटी होना है उसकी वो वायलेट कर दी, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि हीप ऑर्डर होना चाहिए, और वो हीप ऑर्डर का मतलब क्या है, ये जो वैल्यू के अतबार से मैंने कहा, या वो मिन हीप होगी या मैक्स हीप, मिन या मैक्स, मैक्स उल्टा है, मैक्स हीप इसे कहते हैं हम कि मैक्सिमम वैल्यू को आप ऊपर ले आए, ठीक है ना जी, यानी कि जो वैल्यू इन तीनों में बड़ी होगी या बराबर होगी वो यहाँ आएगी। तो अब मैक्स हीप के मतलब है 65 यहाँ होगा, 24 यहाँ और 26 यहाँ होगा, तो बहर दोनों हम बना सकते हैं, यहाँ पे हम मिन हीप बना रहे हैं, यानी हम कहना ये चाह रहे हैं कि जिस प्रोसेस की वैल्यू सबसे कम है वो सबसे यानी हाईएस्ट वैल्यू प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा अब जब हम इसमें इंसर्शन करते हैं तो इंसर्शन जाहिरी बात है हमने कहा अब यहाँ इसकी यही पोजीशन है, इसको यहाँ यहाँ इंसर्ट होना चाहिए, अदरवाइज अगर यहाँ होगा तो फिर वो सीबीटी नहीं होगा, और लिहाजा सीबीटी नहीं होगा तो फिर भी हीप नहीं होगा, तो हीप ना होने की दो ही वजूहत होती हैं, या वो सीबीटी नहीं होगा तो भी हीप नहीं होगा, और या फिर हीप की वो प्रॉपर्टी जो है ना वो वायलेट करेगा, जैसे इधर वैल्यू के अतबार से ये गड़बड़ कर रहा है, यानी ये जो पोर्शन है, तो फिर भी ये हीप नहीं है। तो हमने ये दोनों चीजों का ध्यान रख के इंसर्शन करनी है, और जब डिलीशन करेंगे इन ट्री से तो भी इन दोनों चीजों का ध्यान रखेंगे कि ये दोनों मेंटेन रहें, यानी आप जब स्टैक में से कोई डेटा उड़ाते थे पॉप करते थे तो उसके बाद भी स्टिल वो स्टैक रहनी चाहिए ना, आप लिंक लिस्ट में से जब कोई इंसर्शन करते थे तो इंसर्ट होने के बाद भी तो लिंक लिस्ट ही रहनी चाहिए, ये तो नहीं है ना कि दो नोड्स के दरमियान नोड ऐड किया और पीछे लिंक लिस्ट कट गई, कुछ नोड इधर रह गए कुछ उधर रह गए, या लिंक लिस्ट के दरमियान से एक नोड उड़ाया और पता लगा ये कि जी वो आपने पिछले और अगला नोड जोड़ा ही नहीं आपस में, तो इसका क्या फायदा हुआ फिर डिलीशन का, आपके से तो कनेक्शन टूट गया, जंजीर टूट गई, तो ये नहीं करना आपने। तो जब आप हीप में भी इंसर्शन करेंगे तो आफ्टर इंसर्शन इट शुड बी हीप,
और अगर डिलीशन करेंगे हीप में तो आफ्टर डिलीशन इट शुड रिमेन हीप अगेन हीप। तो अब आते हैं इंसर्शन पे। तो इंसर्शन का देखें नेक्स्ट वो कहेगा आपको उसी तरह बताएगा कि इंसर्शन में भी हमें क्या इसको इंसर्ट करना पड़ेगा जो है ना इसको नेचुरली अब इस 31 के राइट में। और अगर आप एरे रिप्रेजेंटेशन भी वो नीचे बता रहा है एरे में जाहिर बात है ना 10वें इंडेक्स के बाद 9, 8, 9, 10 के बाद 11वां इंडेक्स में यानी इधर उसको इंसर्ट करना चाहिए नेक्स्ट वैल्यू को। तो लेट्स से 14 वैल्यू आई यानी प्रोसेस है एक आया लेट्स से और उसकी जो प्रायोरिटी वैल्यू है वो 14 है वो यहाँ लग गया। अच्छा जब वो लग यहाँ गया तो CBT तो चलो ये बन गई लेकिन अब मेरा सवाल दूसरा है कि आया ये मिन हीप भी है कि नहीं। क्वेश्चन ये है क्योंकि आपने ये दोनों चीजें मेंटेन रखनी है ना आफ्टर इंसर्शन। तो पता ये चला कि ये जाहिर बात है ये अब जब ये इंसर्ट वैल्यू होगी तो अपने पेरेंट्स से पूछेगा ना कि मेरी प्रायोरिटी तुमसे हाई है कि लो है। ये कहेगा कि मेरी तो है। तो अब ये बेसिकली अपने पेरेंट्स से स्वैप होगा ठीक है। ये तो उसे कहेगा तुम नीचे उतरो मेरी प्रायोरिटी हाई है। इसको हम कहते हैं परकोलेट अप। परकोलेट अप जाएगा यानी ये अपनी प्रायोरिटी जो इसकी वैल्यू है पोजीशन है ये अपनी एतबार से इसकी जो हैसियत है ये इसकी प्रायोरिटी वैल्यू के एतबार से ये इतना ट्री में डीप ऊपर जाएगा और वहां जाके रुक जाएगी ये। तो इसको हम कहते हैं परकोलेट अप जाना। तो अब जरा आप देखें ये 14 जो है ये यहाँ से देखें इसने बताया कि इसने कंपेरिजन किया 13 से और इसके अब पेरेंट तक जाने का आपको एरे में मैंने बता दिया था कि एरे में तो आप सीधा सीधा आई बाई टू करें कि यहाँ आ जाएंगे और ट्री में क्या करेंगे आप पेरेंट पे पॉइंटर खड़ा होगा पेरेंट अपने जहाँ इंसर्ट करेगा राइट पे चाइल्ड अपना तो वो देखेगा कि राइट की इन्फो 14 मेरे से अगर लेस है तो फिर वो उसकी इन्फो को अपनी इन्फो से स्वैप करेगा। तो देखें इसने स्वैप कर दी 14 यहाँ आ गया 31। अच्छा इस कॉपी से जब रिटर्न होगा तो किस कॉपी में आएगा इधर आएगा तो उस कॉपी की पुरानी इन्फो से भी पूछेगा कि भाई 14 तुमसे लेस है कहेगा अच्छा ये तो लेस है तो फिर वो इसको भी इससे स्वैप करेगा। क्यों क्योंकि इस 14 की प्रायोरिटी उससे हाई है तो देखें इसकी उससे स्वैप हुई। अच्छा अब जब ये यहाँ से आया तो इसने रूट से भी फिर पूछा यानी फाइनली तो इधर भी आएगा पॉइंटर बैक ट्रैक होते हुए या बैक ट्रैकिंग हुई है। अच्छा यहाँ से तो जब रिकर्सिव कॉपी बैक ट्रैक हुई सिस्टम स्टैक जो मैंने पहले भी बताया था जनरेट होती है ट्री के बैक एंड पे जब 13 ने 14 से इन्फो से पूछा तो उसने कहा नहीं तुम नीचे ही बैठे रहो क्योंकि मेरी प्रायोरिटी तुमसे हाई है 13 इज लेस देन 14। तो अब मुझे बताया ना ये 14 यहाँ लगा था एक्चुअली क्यों लगा था क्योंकि आपने CBT भी मेंटेन रखनी थी तो वो तो लग गया लेकिन लगने के बाद वो अपनी असल हैसियत के मुताबिक जो उसका जगह बनती थी वो वहां पे पहुंच के रुक गया ठीक है जी। और ये CBT भी रही CBT भी बन गई और ये मिन हीप भी आफ्टर वन इंसर्शन मेंटेन्ड है। तो नतीजा क्या निकला कि आपकी ये हीप बन गई। क्लियर हो गया जी। तो ये जनाब आपका जनाब हीप की इंसर्शन हो गई। अब इंसर्ट करें लेट्स से 14 जब ने यहां किया था देखें वो यहां आ गया अब नई न्यू इंसर्शन कॉल हुई दोबारा इंसर्ट फंक्शन तो जाहिर है आपने CBT मेंटेन रखने के लिए उसको यहां इंसर्ट करना होगा यहां इंसर्ट कर दिया ठीक है जी। तो अब वो यहां पे जब इंसर्ट हुआ तो आपने जब इसको इंसर्ट किया तो 15 जब यहां इंसर्ट हुआ तो अब उसने बैक ट्रैक होके 19 की अपनी कॉपी से पूछा कि जी मुझे ऊपर आना चाहिए हाँ जी वो कहेगा 19 तो जाना ग्रेटर है तो ये स्वैप होगा क्योंकि मिन हीप के तहत इसको ऊपर आना चाहिए। तो जब ये अगली जाना बैक ट्रैक होके ये स्वैप करेगा और ये स्वैप हो गया यहाँ से बैक ट्रैक हुए यहाँ इससे भी पूछेगा ये उससे कहेगा हाँ जी स्वैप होना है स्वैप होगा बैक ट्रैक होगा इस कॉपी में 13 से पूछेगा 13 कहेगा नहीं जी तुम यहीं बैठे रहो तुम्हारी जो है ना मेरी से प्रायोरिटी ज़्यादा है यानी मेरी तुम्हारी से ज़्यादा है 13 इज लेस देन 15 तो मीन्स यू शुड स्टे हेयर। तो 13 ये नहीं रहेगा 15 यहीं रहेगा एंड इट स्टॉप हिज हेयर। अब आप समझ गए कि 1x1 इंसर्शन भी होगी और साथ ही साथ क्या होगा आपकी जनाब जो है आपकी ये हीप भी साथ ही साथ जो है ना क्या होगी मेंटेन होती जाएगी। तो ये जनाब आपका
सारा जो है हीप में इंसर्शन का जो है प्रोसेस है। और इंसर्शन तो जो है ना इसमें इजी है, ये कहना जी, क्योंकि इंसर्शन में तो कुछ भी कोई ख़ास नहीं है, बस इस तरह आपने जो है ना एक एक इंसर्शन करते चले जाना है और फिर साथ साथ जो है ना उसमें आपने हीप प्रॉपर्टी मेंटेन करनी करते चले जाना है। और अगर कहीं स्वैप है, इसको हम टेक्निकली परकुलेट अप कहते हैं, यानी एक स्वैपिंग करते जाते हैं, जहाँ जहाँ तक स्वैपिंग की ज़रूरत है वहाँ हम जनाब स्वैपिंग करते चले जाएंगे। अच्छा जी, अब आ जाए जी डिलीशन। अच्छा, अब डिलीशन याद रखें ना, ये हीप में डिलीशन जो है ना प्रायोरिटी क्यू का तस्वर मैंने कहा ना इसके बैक एंड पे चलता है डिलीशन के, तो डिलीशन इसमें कहीं से भी नहीं हो सकती ए ट्री में बकियों की तरह। डिलीशन में आप मुझे बताएं ना प्रायोरिटी क्यू में सबसे पहले प्रायोरिटी किस हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले को आप निकालेंगे ना स्केड्यूलर, जब सीपीयू स्केड्यूलर निकालेगा हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस को पहले निकालेगा, तो जब उसको निकालेगा तो अब जब ये निकालेगा तो अच्छा जी, तो अब डिलीशन में जब आपको मैंने कहा कि डिलीशन में चूंकि ये के केस में किसी भी के नोड को आप डिलीट नहीं करेंगे इसको, क्योंकि 24 को अगर आपने डिलीट किया तो इसका तो ये मतलब ये है कि आप असल में तो हाईएस्ट प्रायोरिटी इसमें 13 था, आप 24 को कैसे डिलीट कर रहे हैं। हाईएस्ट प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग में तो इसको डिलीट होना चाहिए था, इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है, सबसे जरूर पर बैठा होता है। तो आप डिलीशन का मतलब है ये है कि आप अभी सबसे जब भी डिलीट किया करेंगे तो डिलीट मेन किया करेंगे। डिलीट मेन का मतलब है कि जो सबसे रूट पे बैठा होता है, और फाइंडिंग मिनिमम जो है वो उसमें इजी है, वो क्या होता है क्योंकि वो हमेशा टॉप पर होता है हीप के, ठीक है। और जब आप उसको रिमूव कर देंगे तो वो इट कॉजेज अ होल विच नीड्स टू बी फिल्ड, क्योंकि वो तो बादशाह होता है ट्री का रूट, और जब ट्री का रूट बादशाह होता है और जब आप उस बादशाह सलामत को वहां से उठाएंगे तो जाहिरी बात है उसकी जगह होल क्रिएट होगा। मिसाल के तौर पे आपने अभी यहाँ पे इसको डिलीट किया है 13 को, तो आप मुझे बताएं ना ये 13 जब डिलीट होगा यहाँ से, मिसाल के तौर पे सीपीयू इनको एक प्रोसेस चाहिए, आपने 13 उसको थमा दिया, क्यों? क्योंकि इस 13 की जो ना प्रायोरिटी सबसे हाई थी, ये निकलेगा जब यहाँ से तो इस की जगह होल कौन फिल करेगा, तो इसकी होल की जगह आप जाहिर ही बात है ना इसके जो दो बच्चे हैं इनमें जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी वो आके यहाँ बैठेगा ना, बादशाह बनेगा नया, यानी नया प्रोसेस। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी अब 14 की है क्योंकि 16 से इसकी प्रायोरिटी हाई है, लीस्ट वैल्यू है ना, एंड लीस्ट वैल्यू मीन्स हाईएस्ट प्रायोरिटी है, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। तो 14 जब यहाँ आगे बैठेगा तो यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा, अभी आप देखें। अच्छा, जब यहाँ होल क्रिएट हो रिकर्सिवली, अब ये मसला है। अच्छा, वो वहाँ पे आपने परकुलेट अप करते थे ना इंसर्शन में, नीचे से ऊपर स्वैपिंग करते थे, और इस तरह यहां परकुलेट डाउन चल रहा है, गौर करें जरा, समझ आ रही है ना, मतलब यहां होल क्रिएट हुआ है तो यहां से एक गंदा गया, फिर यहां होल हुआ, फिर यहां से एक आएगा, फिर तो यहां आप उल्टा चल रहे हैं और वहां उल्टा ऐसे स्वैपिंग करते हुए यहां आए थे इंसर्शन में। तो नीचे से ऊपर जो इंसर्शन में आए थे इसको हम कहते हैं परकुलेट अप, ठीक है ना जी, या इसको हीपीफाई भी कहा जाता है लिटरेचर में बाद कि ट्री को हम हीपीफाई चलाना, और चूंकि मेन हीप में बैठे हैं तो फिर मेन हीप में मेन हीपीफाई कहा जाता है का फंक्शन कहते हैं मैंने चलाया, या परकुलेट अप, और या इसको फिर जो ऊपर से नीचे आने को हम कहते हैं समटाइम्स परकुलेट डाउन। और अगर ये मैक्स हीप होती तो फिर वहां पे हम उसको मैक्स हीपीफाई कहेंगे, बाल ये वो लिटरेचर में मतलब नाम यूज होते हैं,
वो आप कहीं अगर पढ़ेंगे तो उस बात वही है जो मैं कर रहा हूं अभी आपके सामने। अच्छा जी, तो जब अब जब आप ये चीज आपके जहन में आ गई तो ये अब जो है आपके सामने इस तरह से ये होल क्रिएट होगा। अब इस होल को कौन फिल करेगा? 21, क्योंकि 21 जो है 24 से छोटा था वो यहाँ आया। फिर इस होल को अब कौन फिल करेगा? जाहिर है इन दोनों में जो मिनिमम है वो 31 है, तो जब 31 फिल करेंगे तो ये यहाँ पे फाइनली आपके इस लीफ पे होल क्रिएट हुआ। तो फाइनली नोड वहाँ से जो वो निकला था 13, वो प्रोसेस, यानी अगर मैं कहूँ कि ये सारे प्रोसेसेस हैं जो इस हीप में मेंटेन्ड हैं और ये अंदर उसकी वैल्यूज़ हैं प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग के साथ, तो ये 13 नंबर प्रोसेस विद प्रायोरिटी वैल्यू 13 जो है वो रनिंग स्टेट में जब चला गया तो अब जो नया उम्मीदवार है जब 13 निकलेगा तो 14 जाएगा। यानी ये तैयार प्रोसेस जना डाटा स्ट्रक्चर रेडी है हीप उसके लिए। और होल एक्चुअली क्रिएट यहाँ नहीं हुआ बल्कि नोड जो बैक एंड पे डिलीट होगा हीप से वो ये वाला डिलीट होगा। जब ये डिलीट होगा तो मुझे बताएं कि ये फिर उसकी डिलीट होने के बाद हीप है कि नहीं? ये हीप है। क्यों हीप है? क्योंकि ये सीबीटी भी है, क्योंकि सीबीटी भी है ना, ये और ये सारे लेवल्स भी पूरे हैं, सीबीटी भी है और साथ ही साथ ये क्या है, मेन हीप भी है। यानी हीप की प्रॉपर्टी हर जगह देखें वायलेट नहीं हो रही, यहां पे भी नहीं हो रही, यहां पे भी नहीं हो रही, यहां पे भी नहीं हो रही, हीप की प्रॉपर्टी भी वायलेट नहीं हो रही। तो लिहाजा आपकी दोनों प्रॉपर्टीज मीट हो गई, तो लिहाजा ये डिलीशन भी आपको समझ आ गई। अच्छा, अब जब हम आप कहते हैं ना कि ये डिलीशन हो गई, अब इसमें आखिरी एक बात मैं करता हूं तो फिर मैं जो ना ये बिल्ड हीप खैर है, फिर मैं इसको जरा सा इसको हम चलें अगले सेशन में फिर मैं करता हूं, वक्फा दे दूंगा आपको। ये जो है ना, इसको थोड़ी सी यहां पे एक बात करते हैं कि ये अगर बाय चांस ऐसे तो हो सकता है ना कि ये डिलीशन ऐसे होती कि ये होल यहां क्रिएट ना होता, लेट्स से मतलब ये कि कोई ऐसी ट्री हम बनाते, मिसाल ऐसे को बना लेते हैं, चलें एक ट्री बनाते हैं लेट्स से ये 100 है, तो ये ओके एक सेकंड, इसको ये मिन ही बनाते हैं, तो इसको जरा सा छोटा कर लेते हैं और इधर हम लिख देते हैं लेट्स से ये 5 है, ये 11 है, ये 7 है, फिर ये 15 है, ये 20 है, ये 31 है और ये 71 है, ठीक है, और ये 14 और ये है 16 और ये है 31। तो जनाब ये देख लेते हैं, ये मिन हीप है, ये मिन हीप
ठीक है जी। अब जब ये डिलीट होगा तो एक सेकेंड, बल्कि इधर बल्कि एक काम करते हैं, बल्कि यार चले ऐसे करते हैं ना, वो उधर इस तरह मैं इस पे एक काम करता हूँ, इसी में ही करते हैं ना, थोड़ा आसानी हो जाएगी। लेट्स सपोज के ये जहाँ इंसर्शन हमने की थी, हाँ इधर देखते हैं, एक सेकंड एक सेकंड, ये इधर मैं बताता हूँ आपको, ये इधर अभी आप जरा गौर से देखें, यानी इस पे मैं डिलीशन चलाता हूँ, तो डिलीशन चलाता हूँ तो मैं अब ये देखें, यहाँ पे मैंने ये डिलीट होगा, ये डिलीट हो गया, सीपीयू ने ये रनिंग में चला गया ये प्रोसेस, मिसाल इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी थी ना, तो नेक्स्ट उम्मीदवार कौन आएगा, इसका बेटा, होल क्रिएट होगा यहाँ ना, क्योंकि 16 ऊपर आ जाएगा, इसकी जगह बैठ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में 16 छोटा है तो ये ऊपर आएगा ना, 16 यहाँ आ जाएगा। अच्छा 16 की जगह फिर इन दोनों में छोटा कौन है वो आएगा, वो 19। तो फाइनली होल कहाँ क्रिएट हुआ कि इसको डिलीट होना है, इस नोड को डिलीट होना है। अच्छा जब आप इस नोड को डिलीट करेंगे तो मुझे ये बताएं कि ठीक है ये हीप की तो प्रॉपर्टी कोई वायलेट हुई, लेकिन ये सीबीटी तो नहीं होगी फिर, जो मेरा पॉइंट है जिसकी तरफ मैं आपको लाना चाह रहा था, यानी सीबीटी तो ये तब होती कि आपकी खुशकिस्मती होती ये कि आपका ये वाला नोड डिलीट होता, समहाउ होल यहां क्रिएट होता, ये डिलीट होता ना तो ये सीबीटी भी होती फिर और मिन हीप भी होती। लेकिन अब इस मिसाल में आप गौर करें, अगर आपको कोई कहे कि 13 डिलीट करो तो होल यहां क्रिएट होगा, मैं दोबारा रिपीट करता हूं ये बात, तो अब ये सीबीटी नहीं रहेगी, तो फिर इस मसले का क्या करेंगे। मिसाल के मैं रिपीट करता हूं कि मिसाल अगर 13 यहां से डिलीट कॉल हो जाता है, यानी ये तो इंसर्शन है ना, इंसर्शन तो आपने कर ली, लेकिन इंसर्शन एंड डिलीशन तो ना इंटरचेंजेबली कॉल हो सकते हैं ना किसी भी वक्त, मुख्तलिफ वक्तों में, तो अब मैं मिसाल के तौर पे इसको कॉल करता हूं तो डिलीट को, तो ये 13 ऊपर डिलीट होके चला गया, अब इस होल को कौन फिल करेगा, 16 यहाँ आएगा, यानी मैं यहाँ नया नोड बनाता हूँ ना, ऐसे ट्री चलने बना देता हूँ, ये 16 आया, इसकी जगह यहाँ होल क्रिएट हुआ इस जगह, तो इस जगह कौन आएगा, 19 आया, फिर 19 जब ये वाला आया तो असल में इधर आपने नोड डिलीट करना है ना, और ये 68 तो अपनी जगह ही है उसके राइट में, और 16 के राइट में तो जो ट्री है ना वो तो उसी तरह ही है, ये वाली, ये तो इधर ही है ऐसे ही है, लेकिन मुझे बताएं ना कि ये आपने नोड जब ये वाला डिलीट किया तो ये तो सीबीटी तो नहीं रही, सीबीटी तो तब ये होगी कि आप ये डिलीट करते, सीबीटी तो ये तब होती, सीबीटी में तो आप कहते नहीं है कि टॉप टू लेफ्ट, टॉप लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम इंसर्शन होनी चाहिए, तो डिलीशन में भी फिर पहले इसको डिलीट होना चाहिए, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, रिवर्स उसी ऑर्डर में, तो फिर ये सीबीटी रहेगी ना। आपने जो ना मिसाल ये 32 के बजाय ये डिलीट कर दिया तो अब कौन कहेगा ये सीबीटी तो नहीं है, ये तो आपने गलत जगह पे आप कहेंगे ये डिलीशन की है। तो अब इस मसले का क्या हल है, जबकि आप मजबूर हैं, आपने होल तो यहीं क्रिएट कर किया हुआ है, अब क्या करेंगे आप। तो देखें इसका मैं आपको एक हल बता देता हूँ क्लास जाने से वक्फा करने से पहले, वो आपको प्रोग्रामिंग की किताबों में भी मिल जाएगा। कि हल ये है आपका कि आप याद करें कि ये जो एक्चुअल है 32 है ना, ये
13 तो गया ना, बस इसको तो हमने निकाल लिया, वो तो गया, उसका तो काम हो गया ना, वो तो रनिंग में चला गया। अब आप असल में इस नोड को डिलीट करना चाहते हैं ना, आपकी ख्वाहिश तो ये है ना कि अब ये नोड डिलीट हो ताकि ये सीपीटी भी रहे और होल इधर क्रिएट हो। मेरी खुशकिस्मती ये होगी, लेकिन मेरी बदकिस्मती ये है कि वो होल क्रिएट यहाँ होता है, क्योंकि जब 13 निकलता है तो वो 21 को यहाँ नहीं बिठा सकता, क्योंकि 21 से 16 छोटा है तो इसको लाता है, मजबूरी है उसकी। लेकिन आप कहते हैं अगर इस तरफ से लाया ना तो फिर तो होल इधर क्रिएट होगा और मैं होल चाहता हूँ कि इधर से हो क्रिएट हो। तो अब वो कहता है कि इसका हल ये है कि आप ऐसे करो कि इसका हल ये है कि आप जब 13 को डिलीट कर दो तो ये जो 32 पोजीशन में जो आपने रीसेंट मोस्ट आपने इंसर्शन की होती है ना, उसकी वैल्यू को स्वैप कर दो इधर, यानी 32 को, 13 तो निकल गया, और यहां पे एक दफा परकुलेट डाउन चला दो। तो ये एक्चुअली डिलीट हो जाएगा 32 वहां स्वैप होने के बाद। तो ये जब नोट डिलीट हो गया तो अब ये चला गया है समझो यहां से, तो ये सीबीटी तो हो गई ना, ठीक है, ये कंडीशन मीट। अब सिर्फ हीपीफाई रह गया, तो परकुलेट डाउन जब चलाएंगे तो 32 मुझे बताएं इन दोनों से जब स्वैप होगा तो किससे स्वैप होगा, 16 ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, तो 16 यहाँ आया, 32 यहाँ आया, फिर इन दोनों में से किस से स्वैप होगा, 32 इसको स्वैप करेगा 19 से, 19 यहाँ आया और 32 यहाँ आया। तो मुझे बताएं कि ये सीबीटी भी हो गई अब, और साथ साथ में क्या हो गई, मिन हीप भी बन गई। ये है इसका शॉर्टकट वे कि आप लास्ट जो नोड है इंसर्ट हुआ हुआ है वो उसको स्वैप कर दें, अगर एरे में बैठे हैं तो इस तरह कर लें, आखिरी इंडेक्स पे जो वैल्यू रीसेंट ऐड की है उसको स्ट्रेट अवे इधर ले आएं, और यहाँ पे उसके 2i+1 से स्वैप, जहाँ जहाँ से स्वैप होता है करते 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 ऐसे आ जाएं अगर एरे में बैठे हैं। और अगर ट्री में बैठे हैं तो बस ठीक है, आखिरी इंडेक्स जिधर पॉइंटर पे पहुंचे जिधर से आए थे, और उसको रूट की इन्फो से स्वैप कर दें, और रूट पे जाके एक परकुलेट डाउन का फंक्शन आपने लिखा होगा वो कॉल कर लें, वो खुद बखुद अपने चाइल्ड से पूछ के नीचे नीचे आएगा और आपका जो है ना ट्री को क्या बना देगा, सीबीटी भी बना देगा और मेन हीप भी उसकी प्रॉपर्टी को मेंटेन कर देगा। सर मेन हीप का करैक्टरिस्टिक क्या है, हम किस तरह जानते हैं कि मेन हीप है? ये अच्छा, ये तो मैंने शुरू में आपको बता दिया ना, मेन हीप की दो प्रॉपर्टीज, ये जब ये यहाँ पे जब मैं था जब शुरू में मैंने डिफाइन की थी हीप कि मेन हीप होगी क्या, दो प्रॉपर्टीज हैं उसकी, एक क्या कि वो सीबीटी होगी, सीबीटी तो समझ गए ना, कंप्लीट बाइनरी ट्री किसे कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, और दूसरी क्या होगी कि उसमें हीप ऑर्डर होगा, हीप ऑर्डर किसे कहते हैं, ये इस स्लाइड में सुने कि हर नोड की वैल्यू अपने चाइल्ड से लेस या इक्वल होगी। अब जरा आप देखें कि ये वाली बात इधर हर नोड पे ट्रू है कि नहीं, मुझे देख के बताएं, ट्रू सर, ठीक है, हर नोड की वैल्यू अपने चाइल्ड से लेस या इक्वल होगी, यानी लेस भी होगी या और इक्वल भी हो सकती है, और इक्वल की मैंने बात शुरू लेक्चर में कर दी थी कि इक्वल क्यों हो सकती है, क्योंकि दो प्रोसेसेस की वैल्यू बराबर भी हो सकती है, प्रायोरिटी वैल्यू, मिसाल ये 13 है तो ये भी 13 हो सकता है, तो बस हो सकता है, लेकिन फिर ये 13 ऊपर क्यों है और ये नीचे क्यों है, तो फिर हमने कहा था कि जब दो प्रायोरिटी सेम हो जाती है बंदों की तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व चलता है FCFS, तो ये जो ऊपर 13 आया ना इसका मतलब है कि ये पहले आया था क्यू में, प्रायोरिटी क्यू में, इसलिए ये रूट बना है, और ये बाद में आया था ये, इसलिए ये नीचे लगा है सेकेंड, ये यानी लेवल पे ही आया है, फर्स्ट जीरो लेवल पे ट्री में ये बना है, फर्स्ट लेवल फिर में फिर ये आया, फिर ये सेकेंड और ये थर्ड लेवल आपका। तो अगर आप गौर करें इसने दोनों प्रॉपर्टीज मीट हो रही हैं इस ट्री में, एक ये सीबीटी भी है
कंप्लीट बाइनरी ट्री, और दूसरी ये कि इसमें जो ऊपर वाले ने बात की है वो भी ट्रू है, यानी मिन हीप भी ये है, इसको मिन हीप कहा जाता है दूसरे लफ्जों में, ये जो इसने लिखा है मिन हीप। मिन हीप का मतलब मिन हीप कह सकते हैं, हाँ इसको आप मिन हीप कह सकते हैं कि इसमें हर नोड की वैल्यू मिनिमम है अपने चाइल्ड से या बराबर है, इस तरह कह दें आप। ठीक है, ठीक जी, ऐसे कह लें। इसके फिर एक उल्टे उल्टी ट्री को हम मैक्स हीप कहते हैं। मैक्स हीप का उल्टा मतलब होता है कि हर वो भी ट्री सीबीटी भी होगी लेकिन उसमें हर नोड की वैल्यू अपने चाइल्ड से बड़ी या बराबर होगी। हम सोचते थे कि हीप और मेन हीप अलग अलग से, तो एक बात है हीप और मेन हीप का। हाँ मतलब अगर आप कहेंगे ना कि ये हीप है, कोई ट्री को कहेंगे कि ये हीप है, तो हीप के साथ ही आपके जहन में पहली बात आनी चाहिए कि वो सीबीटी होगी, एक शर्त। दूसरी शर्त कि या वो मेन हीप होगी या वो मैक्स हीप होगी, ये इनमें से कोई एक कंडीशन मीट होनी चाहिए। दोनों नहीं हो सकती कि आप कहें कि वो एक पोर्शन में तो मैक्स हीप है और एक पोर्शन में वो मिन हीप है। नो 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 नो, ये नहीं। या वो पूरी की पूरी मिन हीप होगी या वो तो मिन हीप और मैक्स हीप का फर्क क्या है सर? वो फर्क यही है ना, ये मैंने बताया कि अब अगर हर नोड की वैल्यू अपने चाइल्ड से बड़ी या बराबर हो, यानी इसमें तो मैंने कहा है ना कि लेस और इक्वल है हर नोड की वैल्यू, मैक्स हीप में ग्रेटर और इक्वल होगी हर नोड की वैल्यू, बस ये फर्क है और कोई नहीं फर्क। छोटी होती तो मेन हीप होते, तो बड़ी होती तो मैक्स हीप। हाँ बस बस ये फर्क है। तो बाद वक्त हमें उसकी भी जरूरत पड़ती है, तो बस जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो उसको मैक्स हीप कहेंगे, और जब इसकी जरूरत पड़ेगी वो इसलिए कि हमने कहा ना लिटरेचर में, आपने ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम में देखा होगा बाज लिटरेचर में प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग जब आप पढ़ रहे होते हैं तो बाज लिटरेचर हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस को कहता है कि इसकी वैल्यू भी हाईएस्ट होती है, ग्रेटर होती है, और लीस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस की वैल्यू भी लीस्ट होती है, और बाज लिटरेचर में उलट लिखा होता है, लीस्ट वैल्यू मीन्स हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड हाईएस्ट वैल्यू मीन्स लीस्ट प्रायोरिटी। तो अब वो सिर्फ इस्तिलाहात का फर्क है, कंसेप्चुअली तो चीज़ क्लियर होती है लोगों को। तो हमने मिन हीप का मतलब यहाँ पे वो लिया हुआ है कि लीस्ट वैल्यू मीन्स हाईएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है ना, तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस रूट पे बैठा होता है, तो जो ही सीपीयू फारिग होगा मिसाल, तो वो यहां से चल इसको ले लेगा, फिर जब तक वो उसको चला रहा होगा तब तक आपने नया बादशाह सलामत चूज करके यहाँ बिठा दिया होगा, वो यहाँ पे ये काम कर रहा होगा रनिंग, और यहाँ पे आप नया उम्मीदवार अपना सदर साहब चुन रहे होंगे, परकोलेट अप परकोलेट डाउन चला रहे होंगे, जो अभी मैंने सारी बातें समझाई हैं। जो ही वो से फारिग होगा 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 तो आपने यहाँ पे नया बनाया होगा, तो ये एक प्रोसेस का नाम है कि आप यहाँ पे एक हीप के डाटा स्ट्रक्चर के जरिए जनाब प्रायोरिटी क्यू का तस्वर आप इंप्लीमेंट करते हैं, या प्रायोरिटी क्यू का तस्वर है कि नहीं, आप हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस को पहले मौका दे रहे हैं कि नहीं, सीपीयू को उसको पहले भेज रहे हैं कि नहीं, एक सिस्टम के तहत एक मैकेनिज्म के तहत आप उसको पहले प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है जी, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछें, नहीं है तो फिर हम थोड़ा सा वक्फा करते हैं। तो